अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से आप सभी लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा GBUB कोर्स लेकर आया है जिसको आप लोग सुनकर फिर किसी भी वीडियो या क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें आप लोगों को सभी कुछ बताया गया है। अगर आप लोगों का फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स करें या मुझसे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप लोग। तो चलो चलते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो कोर्स क्या है। ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये वो कोर्स है जो आप लोगों के लिए उर्दू में लिखा है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, ये जो GBUB का कोर्स है इसमें सब कुछ है। इसका जो लेक्चर है ये हमारे साथ मोहम्मद वहाब साफ़ुद्दीन ने लिखा है। अगर आप लोग इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पर रबिता कर सकती है, मैं आप लोगों को ये सेंड करूँगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मैं इसको शुरू करता हूँ। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो गेस्ट पोस्टिंग ब्लॉगिंग क्या है। व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, कंटेंट मार्केटिंग। ये जो इसका जो लेक्चर है, 7 लेक्चर है। गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, कनेक्ट मार्केटिंग क्या है, गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट कैसे ढूँढे, SEO क्या है, इनको कैसे मालूम करें, किसी वेबसाइट के SEO को कैसे नोट करें, गेस्ट पोस्ट भेजने वाली वेबसाइट से कैसे रबिता करें, गेस्ट पोस्ट को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर कैसे भेजें, गेस्ट पोस्ट भेजने के लिए क्लाइंट कैसे ढूँढें। ये हमारे साथ 7 लेक्चर है। अगर आप लोगों को ये चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं आप लोगों को सेंड कर सकता हूँ अगर आप लोग चाहते हैं। तो चलो चलते हैं, हम पहले लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि गेस्ट पोस्टिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, कंटेंट मार्केटिंग क्या है। गेस्ट पोस्टिंग की मिसाल ऐसे है कि आप एक अखबार के लिए कॉलम लिखना चाहते हैं और इसे उस अखबार में पब्लिश करवाना चाहते हैं। इसके लिए आप अखबार वालों से पैसे लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंटरनेट पर मुख्तलिफ वेबसाइट है जिसमें आप ब्लॉगिंग यानी आर्टिकल लिखना करके पैसे कमा सकते हैं। पहले ये काम मुफ्त में होता था, अब इसके बाकायदा पैसे ले जाते हैं। अब गेस्ट ब्लॉगिंग होती कैसे है, इसका तरीका कार कैसा है। आप वेबसाइट वालों से बात करेगी, इनसे आप गेस्ट पोस्टिंग की डील करेगी और इस आगे भेजेगी। दोस्तों, अगर आप लोग देखें कि इसमें सब कुछ आपको लोगों को बताया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं GBUB को उसका जो सब कुछ है, जो सारे इंफॉर्मेशन है, याद कर सकूँ, या मेरे मुझे बहुत से लोग बहुत मुख्तलिफ मुख्तलिफ के सवाल करते हैं मुझसे, लेकिन इस कोर्स को देखने के बाद आप लोगों के बारे में जो भी क्वेश्चन हो सब इसमें दिया गया है। कोई भी या इससे बस सब आप लोगों के लिए ये काफ़ी है GBUB करने के लिए। अगर आप लोग इस पर मेहनत करें, इसको थोड़ा सा जहन से काम ले, तो आप लोगों के लिए ये बहुत काफ़ी है। तो चलो चलते हैं आगे। हाँ, अब गेस्ट ब्लॉगिंग होते कैसे है, इसका तरीक़ाकार कैसा है। अब वेबसाइट वालों से बात करेगी, इससे आप गेस्ट पोस्टिंग की डील करेगी और इसे आगे भेजेगी। अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि गेस्ट पोस्ट खरीद ली, अब इसे भेजेगी कैसे। परस करें, 2 वेबसाइट है। एक वेबसाइट वाले से आपने बात की कि भाई आप मुझे गेस्ट पोस्ट की इजाज़त दे, फिर इनके साथ डील करेगी, मुफ्त में देगी या पैसे लेकर। आर्टिकल जो आपने लिखना है आप खुद लिखेगी, खुद लिखने की अलग से पैसे मांग ली। मतलब इसका यह है कि अगर आप लोगों किसी को क्लाइंट आपको कहता है कि मेरे लिए एक आर्टिकल लिखो, तो आप उसे कहें कि मुझे आर्टिकल की ज़्यादा पैसे दे। मतलब आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं $30 पर, तो वो कहते हैं कि मेरे लिए आर्टिकल भी लिखो, तो उससे $40 ले, क्योंकि 10 जो है आर्टिकल लिखने के लिए है।
आर्टिकल आप किसी और से भी लिख सकते हैं, 2-3 डॉलर में लिख सकते हैं, तो इसमें भी आप लोगों को 6-7 डॉलर मिल जाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल होते हैं, उसका मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ रेट होता है, तो आप लोगों को इस तरह से डील करना होगा। तो चलो नेक्स्ट करते हैं, या फिर इससे दूसरे से भी लिखवा सकते हैं। आप लोग को मैंने बताया कि ये दूसरों से भी लिखवा सकते हैं आप लोग। ये सब करने के बाद आप इस आर्टिकल यानी गेस्ट पोस्ट को दूसरी वेबसाइट जो पहले इसका जिक्र हुआ है इनको भेज देंगे। मतलब आप पहले पहले आपने जो डील किया एक वेबसाइट के साथ कि मैं आर्टिकल लिखता हूँ, तो आप उसको ये आर्टिकल सेंड करोगे, इनको भेज देंगे। यहाँ पर आपको डील करनी होगी, गेस्ट पोस्ट सस्ते में ख़रीदना है और कोशिश करें कि इसमें मुनाफे ले। मतलब इसका यह है कि आप लोग गेस्ट पोस्ट वाले जो पहला वेबसाइट उसको कम पैसों में रजा करें और फिर आप लोग क्लाइंट से ज़्यादा पैसे ले, तो आप इसकी वजह से आप लोग को ज़्यादा मुनाफा होगा। तो चलो नेक्स्ट करते, गेस्ट पोस्ट होता क्या है, इसका मतलब क्या है। गेस्ट पोस्ट एक आर्टिकल होता है, ये किसी भी मौजू पर हो सकता है। इस गेस्ट पोस्ट में आप एक लिंक लगाएंगे जो आपके क्लाइंट के साइट को जाएगा। ये इस वजह से होता है क्योंकि आपका क्लाइंट चाहता है कि ये किसी और वेबसाइट पर पब्लिश हो, एक ऐसा वेबसाइट जो चलता हो और इस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो। मतलब इसका यह है कि बस ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए, मेरा वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आ जाए। गेस्ट पोस्ट ब्लॉगिंग उनको चाहिए क्यों, जब आपको गूगल पर किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो आपको लाखों करोड़ों रिजल्ट आएगी। मसलन आप सर्च करेंगे कि बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, तो आपको 49 करोड़ तक के रिजल्ट आते हैं, जैसा कि आप नीचे तस्वीर में देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आप लोग को सब कुछ पिक्चर भी दिया गया है, सब कुछ आप लोगों को इसको मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ आप लोग सब के लिए ये काफ़ी है। बस इसके अलावा आप लोग कुछ ना देगी, ये सिर्फ ये देगी, इस पर फोकस करें। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, इनमें से 10 या 15 वेबसाइट ऐसे होते हैं जो गूगल सर्च में पहले नंबर पर आते हैं, या इस वजह से होता है कि इन पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है। लोग इसको ओपन करते हैं, इनमें मौजूद लिंक्स पर क्लिक करते हैं जिसकी इसे पैसे मिलते हैं। अब एक वेबसाइट को इन टॉप पर लाने के लिए गेस्ट पोस्ट की ज़रूरत होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे गेस्ट पोस्ट वेबसाइट पर मौजूद हो और गूगल सर्च के टॉप में जगह बना सके। आपने एक वेबसाइट को मुंतखब कर लिया, इनसे बात हुई और आप इन के लिए गेस्ट पोस्ट लगा रहे हैं। जो गेस्ट पोस्ट आप लगा रहे हैं इनमें आप वेबसाइट के लिंक लगाएगी। मसलन टॉप पर एक वेबसाइट है, आप इनके लिए गेस्ट पोस्ट लगा रहे हैं। इस टॉप वाले वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट में आपको दूसरे वेबसाइट का लिंक डालना होगा, जिसको बैक लिंक कहते हैं। बैक लिंक क्या है? बैक लिंक एक लिंक होता है जब एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट से लिंक हो जाता है। इसको इनबाउंडिंग लिंक या इनकमिंग लिंक भी कहते हैं। तस्वीर मुलाहिजा फरमाए, यहाँ पर तस्वीर में आप लोगों को दिखाए गए हैं अदर वेबसाइट लिंक, योर वेबसाइट लिंक कंटेन ए लिंक टू योर वेबसाइट हैज अ बैक लिंक फ्रॉम अदर वेबसाइट। तो आप लोगों को समझ आया होगा, ये ज़रूर नहीं कि आप एक ही मौजू को सर्च करें और इन पर मुतालिक वेबसाइट सर्च करें। आप कोई भी मौजू चुन सकते हैं, जितनी कम अलबास होगी इतने मुकाबला का रुझान ज़्यादा होगा। मसलन अब हम सर्च करेंगे बेस्ट स्मार्ट वॉचेस पर फिटनेस, तो इनकी रिजल्ट कम आएगी। ये तादाद अब 49 करोड़ से कम होकर 30 करोड़ तक आ गई। तो तस्वीर मुलाहिजा करें, तो यहाँ पर तस्वीर में तुम देख सकते हो ये जो रेड कलर निशान है इसमें आप लोगों को बताया गया है। अब हम सर्च करते हैं कि बेस्ट स्मार्ट वॉचेस 2020, तो इसमें रिजल्ट सबसे कम आए गए। अब रिजल्ट 30 करोड़ से कम होकर तकरीबन 7 करोड़ तक आ गए हैं। यहाँ पर तुम देख सकते हो तस्वीर में, कहने का मतलब ये था कि जितने आपके के वर्ड कम होगी इतने रिजल्ट ज़्यादा आएगी। आप किस पोस्ट खरीद भी सकते हैं और फरोख भी कर सकते हैं। आपके पास अगर अपनी वेबसाइट नहीं है, आप दूसरे की वेबसाइट पर इनसे इजाज़त लेकर इनसे डील मतलब पैसा कमा मिला मतलब इसे डील करें करके आप क्लाइंट के लिए गेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं। दोस्तों मेरे
जो मेरा जो नज़र है इसमें भी थोड़ा सा मसला है, और मैं मोबाइल से भी कर सक तो मुझे ये जो अल्पाज है वो कुछ और दिखाई देता है, तो इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर कोई भी गलती हो। तो ये थी आज की वीडियो, यह इसी तरह से लेक्चर 2 जो है गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट कैसे ढूँढे, तो यहाँ पर इसका सारा तरीका बताया गया है। इसके बाद जो है लेक्चर 4 है, इस तरह लेक्चर 5 भी है। लेक्चर 5 में कहते हैं गेस्ट पोस्ट भेजने वाली वेबसाइट से कैसे रबिता करें, और इसी तरह से 6 भी गेस्ट पोस्ट को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर कैसे भेजें। तो इस अगर आप लोगों ने ये कोर जो है इसमें GBB का जो गेक्स है फायर का वो भी बताया गया, सब कुछ इसमें बताया गया। इसके बाद आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं होगा, किसी भी वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास ये हो तो डायरेक्ट आपके जहन में जो क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सिर्फ इसको देख कर आप लोगों का क्वेश्चन हल हो जाएगा। दोस्तों मुझे एक और बात भी मेरे जहन में आया कि बहुत से लोग ये जो HRF, मोज, मेजेस्टिक वगैरह टोल है GBB के लिए, ये जो परचेस करते हैं लोगों से मुख्तलिफ फेसबुक पर ढूंढते हैं, ग्रुप में ढूंढते हैं, तो किसी से भी ये ना ले। इस अभी मेरा जो दूसरा वीडियो इस पर आने वाले हैं उसको ज़रूर देखें, उसके उस तक आप लोग इंतज़ार करें। जब वो दूसरा वीडियो आ जाएगा तो आप लोगों को HRF, मोज वगैरह की सब कुछ डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें बहुत से अपराध आए हैं, आप लोगों के साथ बहुत से अपराध करेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगा कि आप लोग इससे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने उस वीडियो तक इंतज़ार करना होगा। तो आज के लिए ये काफ़ी है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप लोगों को मेरी बातों से पता चल गया होगा, लेकिन क्या करें, आप लोगों का प्यार है इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।